हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू एक्साइटिंग वीडियो में। इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं लैपटॉप के आपके लैपटॉप के अंदर जो डिस्प्ले नहीं आ रही है तो वो क्या करना है, मेरे से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि ये लैपटॉप स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर आपके लैपटॉप में ऐसा हो रहा है तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ये लैपटॉप के बैटरी से भी स्टार्ट नहीं हो रहा है और मैंने इसके पावर अडेप्टर लगा के भी चेक किया है, ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। उसका रीज़न है उसके अंदर जो इनबिल्ट बैटरी है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मतलब कि उसके बीच में कोई सब्सटेंस ऐसा हो गया होगा जिसकी वजह से वो चालू नहीं हो रहा है। उसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, अपने लैपटॉप को उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद आपके जो फ्लिप स्क्रू ड्राइवर या फिर जो भी स्क्रू ड्राइवर लगता है उससे सारे स्क्रू निकाल लेना है। और ज़्यादातर स्क्रू पे आपको एक सील मिलेगी ब्लैक कलर की या फिर कंपनी का लोगो होगा, उसको निकाल लेना है। अगर वारंटी में है तो आप लोगों को ध्यान से निकाल के, मतलब कि जो स्टिकर है उसको निकाल के साइड में रख दीजिए और वापस से जहाँ से निकाला वहाँ पे लगा दीजिए, तो आपके वारंटी में जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारे स्क्रू को साइड में रख दीजिए। अब लैपटॉप के जो साइड्स आते हैं और उसके बीच में जो गैप आती है लैपटॉप और कीबोर्ड के बीच में, उस गैप के बीच में आपको फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर या फिर कुछ ऐसी चीज़ डालनी है, बिजनेस कार्ड या फिर एटीएम कार्ड जैसा कुछ भी प्लास्टिक की चीज़ डालनी है जिससे वो जो लॉक है वो खुल हो, मतलब उसका लॉक है वो ओपन हो जाएगा। नाइफ भी आप डाल सकते हैं, बट आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको अपने जो लैपटॉप है उसके अंदर बहुत डालना ही देना है नाइफ या फिर बिजनेस कार्ड। उससे क्या होगा, जो लैपटॉप के अंदर बेल्ट होगा माउस का या फिर कोई और या फिर आपके मदरबोर्ड को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। और कीबोर्ड को आपको ध्यान से आप करना है, इसी तरह यहाँ पे बेल्ट होते हैं कनेक्टेड। यहाँ पे मैंने कीबोर्ड और माउस का बेल्ट निकाल लिया है। यहाँ पे पावर बटन क्या भी होता है और इसमें क्या हुआ है कि जो डस्ट आ गई है लैपटॉप में, डस्ट को भी क्लीन करूँगा। पर यहाँ पे प्रॉब्लम है कि जो बैटरी है वो अप करने के बाद भी नहीं निकले, इसको पूरा मदरबोर्ड निकालना पड़ेगा। सभी लैपटॉप में ऐसा नहीं होता, कहीं में लैपटॉप की जो बैटरी है वो एक्सटर्नल दी हुई थी, इस लैपटॉप में इंटरनल बैटरी है। ये आसूस का है, इसका मॉडल नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो KDTech को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिसे आपको वीडियो के सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मैंने हार्ड ड्राइव निकाल दी, अब जो डीवीडी राइटर है वो भी निकाल दे रहा हूँ, पूरा नहीं निकल रहा, आधा ही निकाल रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे डिस्प्ले बेल्ट निकाल रहा हूँ, उसके ऊपर सील दी होगी, उसका भी ध्यान रखना है, वो भी कहीं फट ना जाए। अब यहाँ पे आपको स्लाइडली आपको जो लैपटॉप का मदरबोर्ड है उसको ऑफ करना है, देख लेना है कि आपने कहीं पे स्क्रू छोड़ तो नहीं दिया है। और ये आपके हार्ड ड्राइव का जो कनेक्टर है वो है, और ये कनेक्टर मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप पे आता है, मतलब कि ये 8 और 12 पिन कनेक्टर आता है इस टाइप का। यहाँ पे आप पिन देख सकते हैं, आप चाहे तो इसको क्लीन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो स्पीकर का बेल्ट है वो निकालने वाला हूँ, केबल है वो निकाल दिया मैंने। अब मैं डिस्प्ले बेल्ट भी देखो दिखा देता हूँ, डिस्प्ले का जो बेल्ट है मतलब उसका जो फैट बेल्ट है वो निकाल दिया। अब मैं जो वाईफाई कार्ड है उसको निकाल देता हूँ। वाईफाई कार्ड निकाल लेने के बाद आपका जो मदरबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा।
मदरबोर्ड ओपन जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इनबिल्ट रैम है और यहाँ पे हमारा प्रोसेसर है और एक एक्सटर्नल रैम भी लगा सकते हैं उसके लिए स्टॉट दिया हुआ है। और यहाँ पे कुछ ग्राफिक कार्ड का जो प्रोसेसर है वो गायब है, मतलब कि उसने कंपनी ने नहीं दिया है, कम बजट वाला है इसलिए। अब मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। ये वाईफाई कार्ड है उसको वापस अपनी जगह पे लगा देना है। आप अगर लैपटॉप को खोलना चाहते हैं इससे तरह से खोल भी सकते हैं, अगर आपका लैपटॉप स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और ज़्यादातर इनबिल्ट जो लैपटॉप होते हैं जिनके अंदर बैटरी इनबिल्ट आती है, मतलब कि उसके अंदर आप रैम जो होती है वो इनबिल्ट होती है, मतलब उसको आप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है आपका लैपटॉप की जो बैटरी है या और जो ज़्यादातर जो रैम लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर और जो ज़्यादा लैपटॉप होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि रैम है वो ओपन होती है, उसको साफ निकल के आप साफ करोगे तो आपका जो डिस्प्ले नहीं आ रही वो आने चालू हो जाएगी। और इसमें कुछ बैटरी का प्रॉब्लम था इसलिए इसको मैंने ओपन किया है। ध्यान से लगाना है, जिस टाइप से आपने निकाला था उसी टाइप से आपको लगा देना है। स्क्रू को सही जगह पर डालना है। फर्स्ट आपको क्या करना है, स्क्रू है उनके साइज के हिसाब से उसको अलग कर लेना है। जो बड़े स्क्रू होंगे वो सभी बाहर लगेंगे और जो छोटे स्क्रू है वो मदरबोर्ड और जो अनदर पार्ट्स है जैसे कि हार्ड ड्राइव है और उस जगह पे लग जाएंगे। और आपने जैसा कि मैं प्लास्टिक शीट निकाली थी इस मदरबोर्ड पे से, वैसे आपका अगर प्लास्टिक शीट है तो उसको जैसे आपने निकाला था वैसे लगा दीजिए इस टाइप से। सभी स्क्रू को ध्यान से फिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने डिस्प्ले ब्लेड को जो है लगा दिया है, स्क्रू भी टाइट कर दिए है सभी। यहाँ पे काम हमारा डन हो चुका है, बैटरी लगा देते हैं। और जो बैटरी है उसके नीचे मैं एक पेपर का छोटा पीस रखने वाला हूँ, जिससे अगली बार मेरे को जब ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ उस पेपर के पीस के वजह से जो बैटरी वो थोड़ी अप होगी, जिसे मैं सिर्फ स्क्रू ड्राइवर से अप करूँगा तो वो निकल जाएगा। अब मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, मैं बैटरी लगा देता हूँ। मैंने देख बोला था एक पेपर का टुकड़ा रख देना है आपको, अब रखेंगे, बहुत बड़ा नहीं रखा, थोड़ा छोटा रखना है। देखो यहाँ पे लाइट होने स्टार्ट हो गए, जब हमने फर्स्ट आपने जब लैपटॉप स्टार्ट किया था मतलब कि लाइट नहीं आ रही थी, अब लैपटॉप चार्जर लगा रहे तो भी। अब यहाँ पे देख सकते हैं काम कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है, आपका जैसे कीबोर्ड था उसको वैसे फिक्स कर दीजिए। बैटरी के नीचे पेपर का छोटा टुकड़ा लेके रख देना है और बाद में बैटरी को वापस अपनी जगह पर रख देनी है, जिससे क्या होगा अगर आपके जो लैपटॉप है अगली बार ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप सिर्फ सिंपली आप उसको अप करके पूरा मदरबोर्ड ना खोलना पड़े और बैटरी आराम से निकल जाए। अब यहाँ पे मैंने अपना जैसे पावर ऑर्डर कर लिया, वहाँ पे लाइट टर्न ऑन हो गई रेड कलर की, मीन्स अभी बैटरी थी वो थोड़ी चार्ज कम है, वो चार्ज हो रही है। और यहाँ पे मैं अपने जो लैपटॉप का जो कीबोर्ड और माउस है उसको कनेक्ट करने वाला हूँ। केबल जो अपने बेल्ट है उसको ध्यान रखना है कि आप जो बेल्ट है उसको ज़्यादा मना खींचे, जिससे आपका जो बेल्ट है वो काम करना बंद कर दे या फिर टूट मतलब ब्रेक हो जाए। और ऐसे ही आपको माउस और जो कीबोर्ड है उसका बेल्ट लगा देना है और लगा देने बाद आपका जो काम है वो शायद से आधा ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पे जो पहले आपको लैपटॉप को पूरा जो है उसको देख लेना है, अंदर से बेल्ट ठीक से है। अब लैपटॉप को बंद नहीं करना है, उसको पहले फर्स्ट आपको क्या करना है, आपका रैम यहाँ वाला लैपटॉप होगा मतलब कि रैम इनबिल्ट नहीं होगी तो उसको टेस्ट कर लीजिए कि वो जो लैपटॉप है टर्न ऑन हो रहा है। मेरा लैपटॉप टर्न ऑन हो गया था, अब मैं इसके जो जब मेरा टर्न होना हो गया था लैपटॉप, बट मैंने आपको वीडियो नहीं दिखाया। अब दिखा देता हूँ, बेल्ट मैंने कंप्लीट जो है उसको लगा दिया है। अब आपको क्या करना है, उसको बंद कर देना है।
सभी ओर से प्रेस करने के बाद लॉक का जो है वो अपनी जगह पे आ जाएंगे। लॉक को सभी ओर से प्रेस करके बाद आपको उसको दबा देना है जिससे वो लॉक हो जाएगा। लॉक को प्रेस करने के बाद और यहाँ पे आपको क्या करना है, लैपटॉप को उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद आपको लॉक को वापस प्रेस करना है। एक बार सीधा करके देख लीजिए कहीं से बाकी नहीं रह जाता, और प्रेस करके देखिए बीच में से थोड़ा दबेगा। स्क्रू फिक्स करने के बाद ऐसा नहीं होगा। उल्टा करने के बाद आपको जो छोटे बड़े स्क्रू हैं उनको अपनी जगह पर लगा देने हैं। सब स्क्रू को अपनी जगह पर लगा दीजिए, छोटों को छोटों की जगह और बड़े को बड़े की जगह। यहाँ पर स्क्रू फिक्स करने के बाद आपका जो काम है वो ख़त्म हो जाता है। स्टार्ट करके दिखा देता हूँ आपको। मेरा लैपटॉप टर्न ऑन हो गया है, आपका काम कंप्लीट हो गया है। और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।